खबर विकास नगर से, जहां पर राज्य की इंटर कॉलेज हरवर्टपुर में संचालित ओपन स्कूल स्टडी सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा प्रिंसी ने बेरोजगार युवकों के लिए एक मिसाल पेश की है। छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर लाखों का कारोबार खड़ा किया है। इतना ही नहीं, छात्रा ने 11 लोगों को रोजगार भी दिया है। उनके इस उद्यमिता विकास के लिए परिसर विद्यालय में सम्मानित किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधान आचार्य अवनींद्र वर्थ्याल ने कहा है कि हमारे विद्यालय के बच्चे इस बालिका से प्रेरणा लेकर इस उद्देश्य से कुमारी प्रिंसी प्रार्थना स्थल पर पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि प्रिंसी हर महीने 1 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं और 11 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। प्रिंसी ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी कुछ नया करने की तमन्ना रखी, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही। प्रधान आचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे विद्यालय के लगभग 1200 छात्र छात्राएं इस बालिका से प्रेरणा लेकर कुछ नया कर सकते हैं। नहीं, मैं अपना एक छोटा सा रोजगार स्टार्ट करना चाह रही थी, तो मैं वहाँ पे गई और सरकार की तरफ से एंटरप्रेन्योर की क्लासेस चलती रहती हैं, तो वहाँ पे मैंने एक बिजनेस क्लास हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होती, जैसे कि स्कूल में अगर कोई चीज़ सिखाते हैं तो हम लोग ले लेते हैं सीखने के लिए, तो उसी हिसाब से वहाँ पे भी सिखाया जा रहा था, तो मैंने सीखा और वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि हम ऐसे अपना बिजनेस कर सकते हैं और सरकार ने हमें ऐसे ऐसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम स्कूल के हिसाब से ही रहते हैं, स्कूल में सब कुछ नॉलेज होती, पढ़ाई भी होती और हर चीज़ में हर काम के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। वो जो प्रिंसी दी हैं वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में जैसे स्ट्रगल किया और जैसे वो आगे बढ़ी हैं, हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ें और अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम उनकी हेल्प लेंगे। और वो बहुत अच्छी रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। प्रिंसी वर्मा ये बच्ची है, ये यहाँ पर क्लास 11th में एडमिशन लेने आई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं साथ ही साथ अपना रोज़गार भी करती हूँ और उस दिशा में सोच रही हूँ, तो मैं सर पूरे टाइम तो नहीं आ पाऊँगी और मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम आप देंगे, मैं स्कूल को स्किप करूंगी, तो हमने ये बात रखी कि भाई स्कूल तो आपको लगातार आना पड़ेगा। ये मुझे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से मैंने जब सीखा था तो सर ने मुझे बताया था, एक ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रही थी एंटरप्रेन्योर के लिए, वहाँ पे एक क्लास हो रही थी, तो हमने वो उस पर क्लास के बारे में बिजनेस के लिए और बिजनेस लोन के बारे में बताया गया था, तो मैंने एक सपोर्ट के साथ एक अपना बिजनेस अपने फैमिली से डिस्कस करके और सर से डिस्कस करके अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बोला, तो सर और मैम ने मतलब मेरे मॉम डैड ने भी कहा कि आप कर लो, हम पूरा सपोर्ट करें।